powered by Zepe. तो सबसे पहला सवाल जो किसी भी आदमी के दिमाग में आता है जब वो क्रिप्टो स्पेस के अंदर जब उसको इंट्रोडक्शन होता है या कोई उसे समझाता है, और वो क्रिप्टो तो बाद में वर्ड समझ में आता है उसको, क्रिप्टो का मतलब किसी भी एक सबसे पहले इंसान के लिए, मेरे लिए भी बिटकॉइन ही था। मैंने ऑल्ट कॉइन्स को बाद में आके समझा था कि ऑल्ट कॉइन्स या इथेरियम भी कोई चीज होती है। सर, सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं, बिटकॉइन क्या है? और इसके मैं आपसे बाकी सवाल बाद में पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन है संक्षिप्त में, एक ब्रीफ में, कि बिटकॉइन क्या है? सर, देखिए, बिटकॉइन अगर मैं सीधी भाषा में कहूं तो बिटकॉइन एक चमत्कार है इंसानियत के अंदर। उसके इतिहास में पिछले 5000 साल में इससे बड़ा चमत्कार नहीं हुआ है, और मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। आपको याद होगा मैंने कुछ समय पहले जब मनी की डेफिनेशन आपने पूछी थी कि मनी की शुरुआत कहां से हुई, और मैंने तब कहा था कि लोगों को लेन देन के लिए लेखा जोखा रखना पड़ता था, ठीक है, एक लेजर कीपिंग चाहिए थी, और लेजर कीपिंग के बाद जो क्लियरिंग और सेटलमेंट के लिए उनको मनी की जरूरत थी। अब प्रॉब्लम इस सिस्टम में क्या थी कि लेजर कीपिंग धीरे धीरे बैकग्राउंड में चलती गई और मनी फ्रंट पे आती गई, ठीक। तो जो मनी कंट्रोल करता था, मनी इशू करता था, वो दुनिया का ताकतवर आदमी माना जाता था, और लेजर पीछे चली गई। अब प्रॉब्लम ये है कि अल्टीमेटली हर इंसान को, हर समाज को लेजर भी चाहिए और मनी भी चाहिए, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो जो लेजर है वो सेंट्रलाइज्ड लोगों के हाथ में थी, ठीक है। क्रेडिट कहाँ क्या है, डेबिट क्या है, उसका पता आम इंसान को कभी नहीं होता था। जैसे आज की तारीख में आम इंसान रिजर्व बैंक से पूछना चाहे कि आज की तारीख में, आज 29 अगस्त है, 29 अगस्त के 3 बजे आरबीआई ने कितने नोट छापे, 500 रुपए के, कितने 2000 के, कितने 100 रुपए के, कितने 200 रुपए के, तो आरबीआई ये जवाब आपको नहीं देता, क्योंकि ये आरबीआई के का जो लेजर है वो आम आदमी को नहीं पता है। सो इसलिए वो लेजर बैकग्राउंड में रहता था और मनी सामने रहती थी, और ये दुनिया के अंदर पिछले 5000 साल से होता रहा है। बिटकॉइन ने आके सबसे पहले ये जो सेंट्रलाइज्ड लेजर का सिस्टम है इसको ही एक अल्टरनेटिव दे दिया, और कहा कि भाई लेजर को सेंट्रलाइज्ड रखने की जरूरत क्या है। लेजर मतलब बही खाता, और बही खाता हमेशा साझा होना चाहिए, ठीक। तो बिटकॉइन ने क्या किया कि अगर काशिफ ने एक बिटकॉइन सुनील अग्रवाल को भेजा तो काशिफ ने की डेबिट एंट्री, और सुनील अग्रवाल के यहां हो गई क्रेडिट एंट्री, ठीक। अब काशिफ और सुनील अग्रवाल के बीच में ये जो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन है ये चली गई एक अलग डेटाबेस के अंदर, जिस डेटाबेस को हम कहते हैं ब्लॉकचेन। अब ना काशिफ और ना सुनील अग्रवाल उस ट्रांजैक्शन को बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि क्रेडिट हुई सुनील अग्रवाल के अकाउंट पर, डेबिट हुई काशिफ के अकाउंट पर, और रिकॉर्ड हुई ब्लॉकचेन के लेवल पर। तो एक तरह से 3 एंट्रीज का चेंज हुआ। तो ये ट्रिपल एंट्री बुककीपिंग या ट्रिपल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है जो कोई एक पार्टी मैनेज नहीं करती। तो दुनिया के अंदर पहली बार 5000 साल में एक सांझे बही खाते का सिस्टम बिल्ड किया जो एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है। आज से पहले, बिटकॉइन से पहले, दुनिया के अंदर जितने भी मनी सिस्टम बनाए जाते थे उनके पीछे एक सेंट्रलाइज्ड लेजर होती थी। सेंट्रलाइज्ड लेजर की पावर बहुत बड़ी है, क्योंकि जब डीमोनेटाइजेशन हुई और 86% करेंसी लोगों के हाथ से कागज बन गई तो भी सरकार ये क्यों कर पाई, क्योंकि उनके पीछे सेंट्रलाइज्ड लेजर थी। सरकार ने पिछले 86% को डेड किया और उसके उसकी बदौलत नए करेंसी नोट इशू किए। तो बिटकॉइन कहता है कि भाई ये जो बही खाता है ये एक बंदे या एक पार्टी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, ये सबका साझा होना चाहिए। तो साझा बही खाता ही ब्लॉकचेन है।
राइट सर। तो इसके अंदर आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आपको उसी समय पता चल जाएगा। ये दुनिया का पेटीएम है जिसको पेटीएम कंट्रोल नहीं करता।